हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यो-यो टेस्ट के बारे में। यो-यो टेस्ट एक ऐसा कारण बना हुआ है जिस कारण से आज सुरेश रैना और युवराज सिंह जैसे बड़े खिलाड़ी भी भारतीय टीम में वापसी नहीं कर पा रहे हैं। तो यो-यो टेस्ट का क्या महत्व होता है, यो-यो टेस्ट क्या होता है, आपके इन सारे डाउट को आज मैं क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहे। साथ ही में अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी का बटन है, उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल पर आने वाली हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। तो इस वीडियो को हम फटाफट से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यो-यो टेस्ट से पहले भारतीय खिलाड़ियों की फिटनेस जांचने के लिए बीप टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उस समय ना ही भारतीय खिलाड़ियों की फिटनेस पे इतना ध्यान दिया जाता था और ना ही बीप टेस्ट का कोई ज्यादा महत्व था। लेकिन सन 2016 में जब भारतीय टीम के कोच अनिल कुंबले बने, तो उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों की फिटनेस पर ध्यान देना शुरू कर दिया और उन्होंने भारतीय टीम में अगर किसी खिलाड़ी को चयन करवाना है तो यो-यो टेस्ट को क्लियर करना अनिवार्य कर दिया था। तो फ्रेंड्स, यो-यो टेस्ट को समझने के लिए मैं आपको अपनी बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ। फ्रेंड्स, यो-यो टेस्ट पास करने के लिए सभी खिलाड़ियों को मैदान में रखे तीन निश्चित कोणों के बीच में भागना होता है। कोण ए, बी और सी। कोण ए से बी की दूरी होती है वो 5 मीटर होती है और कोण बी से सी की दूरी 20 मीटर होती है। मुख्य दौड़ जो होती है कोण बी से सी के बीच में होती है। कोण बी से ए के बीच की जो दूरी होती है वह दूरी खिलाड़ियों को अपने सांस के बीच में रिकवरी करने का टाइम देती है, यानी कि कौन बी से ए की तरफ खिलाड़ी जाकर वापस कौन बी तक आ सकता है, इसके लिए उसको 10 सेकंड दिए जाते हैं और 10 सेकंड बाद तुरंत वापस उसको तैयार हो जाना होता है अगले शटल के लिए। फ्रेंड्स, हर शटल में 3 बीप होती है जो अपने निश्चित समय में बजती रहती है, यानी कि पहली बीप बी कौन पर बजेगी, पहली बीप बजते ही किसी भी खिलाड़ी को यहाँ से भागना है और दूसरी बीप बजने से पहले इस सी कॉर्ड पर पहुंचना है और दूसरी बीप बजते ही उसको वापस मुड़कर वापस तीसरी बीप बजने से पहले किसी भी खिलाड़ी को इस बी कॉर्ड को क्रॉस करना है। अगर ये चीज करने में कोई भी खिलाड़ी नाकाम होता है तो उसको पहली चेतावनी दी जाती है और दूसरी बार यही गलती करता है तो उसको दूसरी चेतावनी दी जाती है और तीसरी बार खिलाड़ी कोई भी ये शटल पूरा नहीं कर पाता है तो उसको भारतीय टीम की सिलेक्शन के लिहाज से फिट नहीं माना जाता है। भारतीय टीम के खिलाड़ियों का यो-यो टेस्ट कैसे किया जाता है उसको हम इस चार्ट की मदद से समझ सकते हैं। सर्वप्रथम किसी भी खिलाड़ी को लेवल 5 की स्पीड से भागना होता है और उसमें उसको एक शटल पूरा करना होता है और एक शटल की दूरी होती है 40 मीटर। अब लेवल 9 में भी किसी भी खिलाड़ी को एक शटल भागना होता है, लेकिन बी बजने की जो समय होता है उसमें थोड़ी कमी कर दी जाती है, इसलिए उसको थोड़ा ज्यादा स्पीड से भागना होता है। और लेवल 11 में किसी भी खिलाड़ी को 2 शटल भागने होते हैं और टोटल 80 मीटर की दूरी तय करनी होती है और इसमें भी स्पीड लेवल 14.0 प्रति घंटे की रफ्तार से भागना होता है। और लेवल 12 में 3 शटल भागने होते हैं, इसमें खिलाड़ी को 120 मीटर भागना है और 14.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागना होता है। ऐसा जैसे 13 लेवल में 4 शटल भागने होते हैं, 14 में 8 शटल भागने होते हैं और 14 के बाद हर एक लेवल में 8 शटल भागने होते हैं। भारतीय टीम है जो 16 का लेवल मेंटेन करती है। 16 के लेवल में वह किसी भी खिलाड़ी को एक शटल भगवाती है। अगर कोई भी खिलाड़ी ये सारे लेवल पूरे कर लेता है तो उसको भारतीय टीम में सिलेक्शन के लिहाज से फिट माना जाता है। यो-यो टेस्ट के दौरान कोई भी खिलाड़ी टोटल 1120 मीटर की दूरी तय करता है। फ्रेंड्स, यो-यो टेस्ट जितना देखने में आसान लगता है एक्चुअली में वो इतना आसान है नहीं। अगर आप भी अपना यो-यो टेस्ट करना चाहते हैं तो 8 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय करके देखिए। अगर आप ये दूरी तय कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में जो एंड्योरेंस मौजूद है वो बहुत ही पावरफुल है। यो-यो टेस्ट एक्चुअली में इसलिए किया जाता है कि किस खिलाड़ी में कितना एंड्योरेंस मौजूद है और वो कितनी देर तक मैदान में टिक पाता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है। अगर जानकारी पसंद आई है तो लाइक के काले बटन को नीला कर दीजिए। साथ ही में अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी का बटन है, उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम लेकर आते हैं इस चैनल पर स्पोर्ट जगत के ढेर सारे अपडेट। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।